हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ही खास वीडियो है। मैं पहले इस तरह का वीडियो नहीं बनाया, तो हो गलती होगा तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने इस तरह के वीडियो नहीं बनाई है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, और नया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ऑल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल जाए और आप देख सको। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताऊँगा आप सेक्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब भी आप इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो और चला जाता है तो आपका वीर्य जब चला जाता है तो आप बहुत ही थकान महसूस कर सकते हो, और ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। और मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है, मैं अपना शरीर को कंट्रोल कर पाया हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर पाया हूँ, अपने आप में उत्तेजित हो जाता हूँ तो उसको कंट्रोल कर पाया हूँ। तो मैं कैसे कंट्रोल कर लिया आपको बताऊँगा, और आप भी सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो अगर बिना स्किप किए नहीं देखोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो जब भी आपको इच्छा शक्ति आती है तो फ्रेंड्स, ये एक शरीर का एक हिस्सा है जिसमें ये इच्छा शक्ति आती है, और दूसरा है मन। ये चंचल मन बहुत ही प्रॉब्लम करता है, उछलता रहता है, आपको सिर्फ खड्डे में गिराने की सोचता है, और आप उठने की कोशिश करते हो मगर ये उठने नहीं देता है। जब भी आप नेगेटिव पॉजिटिव सोचोगे तो ये सिर्फ नेगेटिव ख्याल ही आपके दिमाग में भर देता है, और आप उसी की तरफ जाते जाते आपका बहुत ही हानि होता है, बहुत ही नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? तो फ्रेंड्स, आप एक काम करिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आप पहले अपने मन को बस में करना होगा। मन को कैसे बस में करेंगे? आप अच्छे अच्छे काम करिए, अच्छे अच्छे किताब पढ़िए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का हो गया, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ जी, और उस बहुत सारे हैं, तो आप उनका अच्छा अच्छा किताब पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स, आप एक काम करिए, पहले आप अपने इच्छा शक्ति को रोकने के लिए आप हमेशा काम में बिजी रहें। आप कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमेशा आपको बिजी रहना है। बिजी नहीं रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। टाइम ख़राब करने से बहुत ही प्रॉब्लम होता है, जो भी टाइम आए आप उसको काम में लगा दीजिए। काम में लगाने की वजह से आपका दो तरह के लाभ होगा, एक तो आपका समय बच जाएगा, और दूसरा तरफ आप बिजी रहोगे तो आपका इच्छा शक्ति बढ़ेगा नहीं। जब भी इच्छा शक्ति आए तो आप सीधे दौड़कर काम में चले जाने की वजह से आपका इच्छा शक्ति धीरे धीरे घट जाएगा, नीचे उतर जाएगा। और ये जब भी आप सेक्स करते हो उसके पहले दिन ही नहीं आता, और ये 3-4 दिन के बाद में फिर से आ जाता है। तो जब एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है हमारे शरीर में तो एनर्जी की वजह से ये आता है, और जब एनर्जी नहीं रहता है तो ये नहीं आता है। आता है मगर आप करते नहीं हो, क्योंकि एनर्जी नहीं रहने की वजह से आपका वो इच्छा शक्ति बढ़ नहीं पाता है। तो आप एक काम करिए, एनर्जी अगर आप काम करेंगे तो आपका एनर्जी हमेशा लो रहेगा, क्योंकि आप सब जितना भी एनर्जी है आप, तो फ्रेंड्स आप एक काम करिए, आपका जब भी इच्छा शक्ति आता है, इच्छा आता है तो सीधे आप दौड़कर काम में चले जाइए। काम में जाने की वजह से आपका जो एनर्जी है वो सब उसमें खर्च हो जाएगा। खर्च होने की वजह से आप यहाँ पे जो एनर्जी लगता है वो सब वहाँ पे खर्च हो जाने की वजह से आप थकान महसूस करोगे। थकान महसूस करने से वो क्या होगा कि वो उत्तेजित नहीं होगा, और इसी तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। अकेल नहीं है तो काम करके देखिए, बिजी रह के देखिए, अपने लाइफ में बिजी रह के रहना सीख जाइए, तो आप इसको कंट्रोल कर लेंगे।
और बिजी नहीं रहेंगे तो खाली खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये किसने नहीं बोला, ये सब ने कहा था, सब आदमी कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आपको पता रहने पे भी आप नहीं करेंगे तो आपका बहुत हानि होगा, मुझे पता है आप करोगे। तो आप उसके बाद में आप फैमिली के साथ रहिए, फैमिली के साथ नहीं रहेंगे तो दोस्तों के साथ रहिए, मगर ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो जो गंदा दोस्त ना हो, अच्छा दोस्त हो, अच्छे से बातें करते हो, गंदी बात ना करते हो, पॉर्न वगैरह मत देखिए, मोबाइल में पिक्चर वगैरह मत देखिए ऐसे, और उस तरह की फिल्म मत देखिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हो तो। और इसको रोकने से बहुत ही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अगर आप शादी के बाद में ये बहुत ही काम आता है, तो अगर आप नहीं समझे तो आप YouTube में सर्च करके देख सकते हैं। और उसके बाद मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शादी के बाद में आप इसको बहाने से आप पिता भी नहीं बन सकते हैं, तो ये सब बहुत ही परेशानी आता है, तो बाद में आप पछताओगे अभी अगर नहीं करोगे तो। और उसके बाद मैं और एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो की भी स्किप मत करिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपका बहुत दिन से चल रहा है इस तरह के काम और आपका लत छूट नहीं रहा है, तो आप एक काम करिए, आप एक दिन में अगर करते हैं तो कर लीजिए, एक दिन में दो बार कर लीजिए, महीने में दो बार करना है, एक दिन में महीना का पहला जो दिन है उस पहले दिन में आप दो बार अपना सेक्स को डाउन कर दीजिए या फिर गिरा दीजिए। इस तरह से करने से फ्रेंड्स आपका जो लाभ होगा वो क्या लाभ होगा कि आपका जो एनर्जी है वो बहुत सारा खर्चा होने की वजह से, बहुत सारा चला जाने की वजह से आपका जो इच्छा शक्ति है वो आता ही नहीं, और आप जब चला जाता है तो गिरने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि दूसरे काम में तभी आप मन लगा दोगे, तो मन दूसरे काम में मन लगने की वजह से आप दो तीन महीना या फिर दो तीन महीना बहुत ज़्यादा होता है, एक महीना या फिर 20 दिन मन को काम में लगाने की वजह से आपके मन में वो ख्याल नहीं आएगा और आपका इच्छा शक्ति जो घट जाएगा। और फिर भी नहीं होता है फ्रेंड्स, तो आप एक काम करिए, अगर आपका फिर भी मतलब चला जाता है तो आप एक काम कर सकते हैं, ये मन में होता है, मन इसको कंट्रोल कर सकता है, और इसका दवाई वगैरह खाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप फिर से एक काम करिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप भजन वगैरह सुन लीजिए, भजन वगैरह सुनने से आप वो कंट्रोल हो जाता है और कंट्रोल हो जाता है और अच्छा अच्छा गाने वगैरह सुन लीजिए। तो देखिए सुनने की वजह से आपका जब भी इच्छा शक्ति आए तो आप भजन लगा दीजिए, और वो लगाएंगे तो आपका मन चला जाएगा दूसरी तरफ, चला जाने की वजह से वो इच्छा शक्ति नहीं आएगा। तो आप इस तरह से रोक सकते हैं। और अगर इसका नुकसान जानना चाहते हैं तो बहुत सारा नुकसान है, इसका नुकसान कह के फ़ायदा नहीं, आप जितना नहीं चाहते हो उतना नुकसान है। और अगर नुकसान अभी कर दिया तो शादी के बाद में बहुत सारा तड़पोगे, ये आपको पता नहीं है, आप इतना ज़्यादा अभी 2 मिनट में मजा लेते हैं और बाद में आप कितना पछताओगे आपको पता नहीं। शादी के बारे में सर्च कर देंगे YouTube में, तो मैंने तो वीडियो नहीं बनाया है मगर आप सर्च करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा तो ये कितना काम आता है। और अगर पतला हो जाता है तो फ्रेंड्स इसको सही करना कितना मतलब मुश्किल है और कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो बस इतना तक तो आज का वीडियो बस इतना ही था। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नया वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।